नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, और आप सभी लोगों का स्वागत है बीइन टीवी पे। आज जिस आर्टिस्ट से मिलने जा रहे हैं वहाँ पे मैं बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकता, लेकिन आज है धनतेरस और वो एरिया एकदम क्राउडेड होगा, तो मैंने सोचा कि मैं आज मेट्रो ले लूँ। तो चलिए मिलते हैं उस आर्टिस्ट से डायरेक्ट उन्हीं के स्टूडियो पे। मेट्रो आगे मैं निकलता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आज हमारे साथ है, वैसे तो इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट वी हैव अमीशा सलून के जी ओवर हियर, एंड बड़ा मजा आएगा इनके साथ आज बात करके, बिकॉज जब भी हम इनको मिलते हैं नॉलेज तो लाइक भर भर के है, लेकिन जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी इतना वंडरफुल है कि अगर वो एक्सपीरियंस भी, उनकी वो एक्सपीरियंस की टिप भी अपने करियर में इंप्लीमेंट कर दें तो उनका करियर बहुत अमेजिंग बन जाता है। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच अमीशा जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ बीइन। आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया एंड यू अग्रीड टू शेयर योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस विद आवर सलून ओनर्स एंड ब्यूटीशियन। थैंक यू विक्रम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड विशिंग यू हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। So, अमीशा जी, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ऑब्वियसली हर बंदा जब भी इंडस्ट्री के अंदर आता है तो उसके पीछे एक कारण होता है। व्हाट वाज योर थिंग, योर यूरेका मोमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री? ये कहानी शुरुआत कहाँ से हुई? सी द थिंग्स हैव स्टार्टेड लाइक आई वाज फ्रॉम चाइल्डहुड, आई वाज वेरी मच पैशनेट विद द कलर्स, कलर के साथ बहुत पैशनेट था। पर बिंग बिलोंग टू टिपिकल मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली, पेरेंट्स वर वेरी ऑर्थोडॉक्स एज फार एज करियर एजुकेशन आर कंसर्न, सो कंपल्सरी एजुकेशन करना ही था, और वो हिसाब से देन आई डन माई ग्रेजुएशन, देन आई डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आई डन एमफिल। एमफिल करने के वक्त देन लकीली आई गॉट अ जॉब, आई वॉज वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड समवेयर इन द माइंड आई वॉज नॉट हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। वो बोलते हैं ना कि ऐसे लग रहा था कि सब कुछ है मगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, मन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज लैकिंग, एंड दैट वॉज अ यूरेका मोमेंट लाइक वेर आई हैड टेकन डिसीजन, नो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। ओके, सो एंड देन आई डिड अ रिबल। रिबल वॉज अ वेरी ह्यूज रिबल ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक। Quitting a settled government job was a big risk, and parents were against of it. And that time, beauty industry was not that developed or it was not that recognized. लोगों ने मेरे decision पे बहुत हंस पड़े कि अच्छी खासी government की job है, अच्छी खासी salary है five figure वाली, और उसको छोड़ के आप कहाँ पे इस uncertain industry में जा रहे हो, जहाँ पे महाराष्ट्र हमारे यहाँ पे एक जातिवाचक शब्द है। उस शब्द का इच्छा करते कि ये इसकी इंडस्ट्रीज में तुम कहाँ पे जा रहे हो। आप यू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी सुपीरियर हायरार्की ऑफ अ सोसाइटी, कास्ट वाइज आप इतने अच्छे, तो ये छोटी कास्ट का है। एंड मेरे लिए ऐसे था कि नो दैट इज कास्ट इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, आई वांट टू डू इट, एंड वो डिसीजन था कि एंड दैट वाज यूरेका मोमेंट इन माय लाइफ। वंडरफुल। लाइक देखिए, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हैं अमीशा जी, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स भी किया हुआ है इन इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट जॉब भी थी, लेकिन जब पैशन जो होता है अगर आपके दिल के करीब ज़्यादा होता है तो आप वही स्ट्रीम ज़्यादा चुनते हो। लेकिन एक चीज़ है, इस एजुकेशन आल्सो एकेडमिक एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है हमारी इस इंडस्ट्री में आने के लिए। ना द रीज़न बिहाइंड इट माई सक्सेस स्टोरी ऑफ दिस इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ आई एम हाईली एजुकेटेड, सो माई अप्रोच मेरे जो कंटेम्पररी जो कॉम्पिटिटर्स थे या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, लाइक अमीशा इज अ ब्रांड नोन फॉर नॉलेज इन इंडिया, तो उसके पीछे कहानी थी कि बीइंग आई एम एजुकेटेड, आई वाज आई हैड डन माय क्वालिफिकेशन इन एजुकेशन, मैंने बीएड भी किया था, एमएड भी किया था, एमफिल भी किया था, तो वो जो नॉलेज था वो दैट आई इंप्लीमेंटेड प्रैक्टिकली इनटू मेकअप्स। So we have one of the very well known in the makeup industry as a makeup academy. So वो एक रीज़न रहा है कि मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के कारण आई वॉज मच मोर सुपीरियर कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स एज फार एज पार्टिंग द एजुकेशन, एजुकेशन स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज, थेरोटिकल नॉलेज, वो इम्पार्ट करने में बहुत इस चीज़ का योगदान रहा है। वंडरफुल। देखिए
ऐसा नहीं है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपके पास अपनी स्किल्स है, स्किल्स को और बेहतर बनाना है, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत हेल्प कर सकता है. और आज के जमाने में आई थिंक सो मॉडर्न, जब ये सारी चीजें बदल गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया होगा. दैट इट्स मेक अ लॉट ऑफ चेंज, बिकॉज़ अब डिजिटल एरा में हर चीज ओपन हो गई है, एंड नाउ दिस फील्ड हैज सो मच ऑफ ग्लैमर. इस क्षेत्र को इतना ग्लैमर आ गया कि नाउ टुडे वी हैव एमबीए स्टूडेंट कमिंग इनटू मेकअप. लाइक मैंने, मेरे पास दो तीन स्टूडेंट ऐसे भी है कोटक महिंद्रा में एमबीए में एमबीए करके, शी इज वर्किंग इन फाइनेंस, एंड नाउ वन डे से कि नो आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम. And now such people when coming to industry, definitely industry का दर्जा ऊपर उठ रहा है. More educated people are there, so they know what you want in your life. हमें क्या चाहिए, and as a educated हमारी responsibility भी बढ़ जाती है क्योंकि we have a educated student. Right, so इसी हिसाब से हमें उनको उस level का education देना बहुत जरूरी होता है. बहुत खुश अमीशा जी, ये तो देखिए बहुत ही wonderful चीज है. अगर आप लोगों को भी ये career opt करना है, क्रिएटिव फील्ड में आना है, अगर आप पैशनेट हो हेयर मेकअप के लिए, सो मैंने अमीशा जी की सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. आप उनको जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए एंड अपना करियर स्टार्ट कीजिए. अमीशा जी, ये कोविड 19 की सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे सैलून ओनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, उनको प्रॉब्लम आ गई, लेकिन अब कुछ सब कुछ वापस से नॉर्मलाइज हो रहा है, लोग सैलून में वापस जाना शुरू कर दिया है, एंड हमने सुना है कि बहुत सारे लोगों को ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो गया है. लेकिन ये कोविड 19 के बाद अब जब 2020 चला गया, 2021 आएगा, एक नया साल, नई उम्मीद होगी, तो हमारे ब्यूटिशियंस या मेकअप आर्टिस्ट जो है, अब इनके लिए क्या नया है आपकी तरफ से? मेरे तरफ से नया मतलब व्हाट आई फील पर्सनली, ऐसी सिचुएशंस आती है जाती है, दोज वो एबल टू सस्टेन दिस सिचुएशन दे विल मूव अहेड. तो सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं, इंडस्ट्रीज अफेक्टेड अ लॉट, ऑलमोस्ट 30% सैलून क्लोज हो चुके हैं. सो आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. जो 30% सैलून बंद हो गए, तो यू सी दैट द नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स कम हो गए और सर्विस टेकर ज्यादा हो गए. सो टेक इट दैट वे कि आपका ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा इफ यू सस्टेन द क्वालिटी, नॉलेज, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, एंड डेफिनेटली सैनिटाइजर जो बेसिक प्रोसीजर्स है वो आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्री पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, पीपल विल कम फॉरवर्ड टू टेक द सर्विसेज. सो डोंट बी अपसेट अबाउट इट. दिस इज अ एक छोटा सा सिचुएशन है, टाइम पीरियड है, और द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हम सभी के साथ हो रहा है. सो वी आर इन अ जर्नी. बिल्कुल, और हम लोग साथ में मिलके ग्रो करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे आगे वाले टाइम के. तो अमीशा जी, और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अब जैसे आपने कहा कि मार्केट तो ओपन हो ही गया है, एंड वी हैव टू टेक इट वेरी पॉजिटिवली. अब एजुकेशन की जब बात आती है, बिकॉज ऑब्वियसली अपग्रेडेशन हमारा इंडस्ट्री का सबसे अहम चीज है, तो अपग्रेडेशन करने के लिए व्हाट इज न्यू नाउ, आपके यहाँ से क्या नए कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं? कीपिंग इन माइंड लाइक एग्जांपल अमीशा मेकअप आर्टिस्ट एज अ एकेडमी, पहले हमारे यहाँ पे मिस मेरे यहाँ पे आई नेवर बिलीव इन 4 to 5 days कोर्सेज. बीइंग अ हार्डकोर टीचर मुझे ऐसा लगता है कि तीन चार दिन में कोई स्किल सीख नहीं पाता. बिल्कुल. तो प्रीवियसली आई वी यूज टू हैव अ लॉन्ग टर्म कोर्सेज, लाइक डिप्लोमा कोर्सेज 6 महीने के होते थे, फास्ट ट्रैक कोर्स 2 महीने के होते थे, बट उसके प्राइस फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होते थे. सो कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट सिनेरियो एज ए अमीशा मेकअप आर्टिस्ट, हम लोगों ने बहुत शॉर्ट कॉम्पैक्ट कोर्सेज क्रिएट किए फॉर दोज हु ऑलरेडी नीड अपने आप को अपग्रेड करना है, टेक्निकली साउंड करना है, ऐसे लोगों के लिए 5 days, 15 days, 10 days, एंड दोज आर वेरी इंटेंसिव कोर्सेज. ओके. सो उससे दो चीज़ें हो सकती हैं कि जो टाइम स्पेंड पहले वो करते थे academies में, now they'll spend more time on to their workstation और उनके salon में करेंगे. और plus if since it's an intensive course, the time duration, like previously हम लोग 2 या 3 घंटे चलाते थे classes, now it will be morning 10:30 to 5:30. So it will be very intensive training we will be putting. Plus now since it is a digital era है, everything digitalized, so as a academy we are supporting our student to build up their portfolios. Wonderful. यार बहुत एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे को अमीशा जी के यहाँ पे मिली है, एंड दिस इज वेरी फैंटास्टिक. आपको मैं दिखाता हूँ, मतलब ये देखिए. ओह ये कैसी चीज है, मतलब मेरे से ज्यादा कैमरा तो अमीशा जी के पास है. अमीशा जी, ये व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, इतने सारे आपके पास कैमराज है, मतलब मेरे से ज्यादा कैमराज तो आपके पास है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? Yeah, basically this is what I realized
5 साल पहले मुझे ये रियलाइज हुआ कि इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट क्यों इतने ऑन द टॉप है और हमारे इंडियन आर्टिस्ट इस प्रकार से क्यों नहीं है. तो उसके पीछे स्टोरी थी कि दे हैव इन्वेस्टेड सो मच अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पर हमारे इंडियन मेकअप आर्टिस्ट उसमें बहुत कम गिर रहे हैं. फिर एक फैक्टर था कि जो लीडिंग मेकअप आर्टिस्ट थे दे हैव फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग थे कि उनके पास फोटोग्राफर्स को बुला के स्पेसिफिकली रोज शूट्स करना वो अफोर्ड करते थे. पर मुझे ऐसा लगा कि इनिशियली आई वॉज वर्किंग बट देन ऐसा लगा कि फोटोग्राफर्स आर नॉट जस्टिफाइंग माई वर्क. मुझे क्या चाहिए मेकअप में, किस एंगल से लाइट चाहिए, किस एंगल से सेटअप चाहिए, वो उनके पास नहीं था. एंड देन आई रियलाइज के बोलते हैं ना वो नीड इज इन्वेंशन ऑफ न्यू थिंग्स एंड न्यू फिलोसॉफी. वो मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं, आई शुड हैव माय ओन सेटअप. और फिर इसलिए मैंने बेसिक कैमरे से शुरुआत की और बाद में पता चला कि बेसिक कैमरे में फिर प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल कैमरास की बात क्या होती है. कैमरा लेने के बाद पता चला कि लेंसेज का इम्पोर्टेंस कितना है. एंड देन आई रियलाइज कि नाउ आई शुड व्हाटएवर प्रॉब्लम आई हैड फेस्ड इन माय लाइफ मेरे स्टूडेंट्स को नहीं फेस करना पड़ेगा. वंडरफुल. सो ये पूरा का पूरा जो आपका यहाँ पे सेटअप है दिस इज ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स. या मैं स्टूडेंट्स को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हूँ कि दे कैन गेट देयर मॉडल्स यहाँ पे, वो शूट कर सकते हैं ऑन अ वेरी नॉमिनल चार्जेस के ऊपर. एंड देन वी टीच देम इन फोटोज को कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी स्टोरीज कैसे क्रिएट करनी है सोशल मीडिया पे, बिकॉज आज के जमाने में सोशल मीडिया प्रेजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक जमाना था ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट को माउथ टू वर्ड लोग रेकमेंड करते थे, बट नाउ पीपल डोंट बिलीव इन दैट माउथ टू वर्ड, दे वॉन्ट टू सी हाउ एक्चुअली यू डिलीवर योर क्वालिटी ऑफ वर्क. और इसलिए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर्स पर, इन सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपका काम किस प्रकार से आप पोर्ट्रे करते हो. और इसलिए ये कैमराज, ये लाइट्स, ये सेटअप्स, ये बैकड्रॉप्स आप देख सकते हो, फ्लावर बेड्स वहाँ पे मैंने बना के रखा है. तो आप एक इमेज क्रिएट कर रहे हो, यू वॉन्ट टू पोर्ट्रे योर वर्क टू योर क्लाइंट. और सिर्फ एक मेकअप ही प्योरली अट्रैक्ट नहीं करता, प्रॉपर मेकअप, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर कैमरा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड आई ट्राई टू टीच माई स्टूडेंट रिगार्डिंग एवरीथिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. बहुत बार अगर आपके पास मेकअप का नॉलेज है, इफ यू डोंट हैव लाइट नॉलेज, कहीं ना कहीं योर वर्क इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. उसी प्रकार से आपको लाइट का नॉलेज है, मेकअप का नहीं, तो भी आपका काम अफेक्ट होगा. सो इट इज आई नॉर्मली, और वैसे भी तो हमारे पास सभी के पास हाई पिक्सल कैमरास होते हैं, राइट. पर डेफिनेटली मैं ऑलवेज ये कहूँगी कि कैमरे से शूट करना, मोबाइल कैमरे से शूट करना और प्रोफेशनल कैमरा शूट करना, इट्स लाइक किसी लड़की ने खुद अपने शादी पे खुद मेकअप करना और किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप करना. ये जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलता है. वंडरफुल, ग्रेट. देखिए ये होता है वो चीज़, लाइक प्रोफेशनल एकेडमी है तो प्रोफेशनल सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है. अगर आप लोगों को भी प्रोफेशनल मेकअप सीखना है और अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना है, मास्टर्स आर हियर, तो आप उनके साथ आप ये कर सकते हैं. एंड मैं आपको एक चीज़ तो मैं बताऊँगा, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी डिजिटल एरा है एंड व्हाटएवर यू लर्न इट हैज़ टू बी अमेजिंग. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमीषा जी की पूरी डिटेल्स डाल दी है, आप उनको वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अमीषा जी, क्या ये क्या है? दिस इज माई ड्रीम, दैट इज माई आई शैडो पैलेट. आई एम कमिंग विद कलर कॉस्मेटिक रेंज. ओके. एंड वी आर सपोज टू लॉन्च इट बिफोर इन द मंथ ऑफ मार्च, बट ड्यू टू कोविड एवरीथिंग हैज बीन पोस्टपोन. एंड नाउ प्रोबेबली इन मंथ ऑफ प्रोबेबली मार्च और जून वी विल प्लान. क्या बात है. तो ये पूरा का पूरा लाइक पैलेट है और दिस इज फॉर मेकअप. या दिस इज अ आईशैडो पैलेट. सो सेम वे वी आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ कलर्स, ब्राइट कलर्स. दिस इज अ ब्राजीलियन कलर पैलेट. ओके. सो वाइब्रेंट कलर्स. सो सेम वे वी हैव अ न्यूट्रल पैलेट्स, वी हैव अ कूल पैलेट्स फॉर द इंडियन स्किन टोन, द हाईली पिगमेंटेड आई शेडोज. इफ यू सी द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, दे आर वेरी वेरी हाईली पिगमेंटेड कलर्स, वेरी इंटेंस कलर.
So normally you don't get such colors, intense colors in Indian palette. So they are highly intense palette. And we are launching it for the student, and it will be very reasonable economical range where newcomers can afford this price. Wonderful. So, मतलब आपके students हो, वो भी आपको call कर सकते हैं, और किसी को distributorship चाहिए तो they can contact you. Everyone. It's going to be a very good product. क्या बात है, क्या बात है. So देखिए, अगर आप लोग students हो, अगर आप अमीषा जी का ये क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दिया है. अगर आपको आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना है अमीषा जी का, तो भी मैंने वही सेम डिटेल्स पे आप जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हो. अमीषा जी, दिस इज फैंटास्टिक. वैसे अभी हमारे यहाँ एक ट्रिक है, आपको ये ट्रिक करना होगा. सो ट्रिक ये है कि इसमें से पहले से दो में से कोई सेलेक्ट कीजिए आपका फेवरेट कलर जो भी है. वेरी गुड. सो देखो, ट्रिक बड़ा सिंपल है. हम एक ट्रिक ऐसे करते हैं, ये ऐसे रखना है, ऐसे रखना है. ओके. और मैं ऐसे करके इसको ऐसे करना है. ओके. अगर आपने, आपको तीन चांस दिया जाएगा. अगर आपको तीन चांस में अगर आप नहीं कर पाए तो यू वुड बी गिविंग मी 100 bucks, एंड वो आपके नाम पे हम एक बहुत अच्छे कॉस्ट के लिए यूज करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ. पहले मैं अपने ऑडियंस को दिखाता हूँ. देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे. ओके. ऐसे. हाँ. मतलब आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि अमीषा जी जो हैंड्स, ये ना क्रिएटिव हैंड्स है भाई, ये हैंड्स ऑफ गॉड कहलाते हैं. मतलब हमारे पास भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे हाथों से करने के लिए. अगर एक लास्ट चांस है, एक बार देख लीजिए. देखिए, ऐसे ऐसे. ओके. एंड ऐसे. तो मैं जीत गया 100 rupees. बड़ी खुशी हो रही है मेरे को. वैसे आपको मैं बता दूं, अमीषा जी बहुत कॉम्पिटेटिव है, इतनी जल्दी से हार मानते नहीं है. बड़ी अच्छे दोस्त थे, मुझे लगता है इन्होंने खुद ही हार मान ली होगी. बट थैंक यू वेरी मच. वाओ. चाय तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया अमीषा जी के साथ मिलके, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना ज्ञान है, इतना तजुर्बा है, जो इतने साल का जो एक्सपीरियंस रहता है, जो कहते हैं ना हम लोग एक्सपर्टीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज कभी इस तरीके की जो सिचुएशन आई है कोविड, अभी हम लोग सब लोग जो फेस कर रहे हैं, इसमें से बाहर आना है या अपने आप को एक लेवल पे लेके जाना है, तो इस तरीके की ट्रेनिंग्स और इस तरीके का एक्सपीरियंस बड़ा काम का आता है. तो अगर आप लोग भी अमीषा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर उनके साथ उनके एकेडमी में कोर्सेज करना चाहते हैं, या फिर उनके ये वंडरफुल प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो मैंने उनकी डिटेल्स सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो. और अगर आपको कुछ इसमें से सीखने मिला और आप हमारे बीम टीवी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमारा बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी एक नया आर्टिस्ट का वीडियो आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो चलिए, फिर आपका दिन बहुत ही शुभ रहे. हैव अ ग्रेट डे. जय हिंद. ठीक हो गया है. तो एक दूसरा भी कहीं और पे ले लेते हैं. तो अभी आपको मैं उधर कट कर रहा हूँ, साउंड आ गया था तो अच्छा, और लास्ट भी है तो लास्ट